यूक्रेन में युद्ध के बीच दुनिया में हाइपरसोनिक हथियार बनाने की होड़ लग गई। दावा किया गया था कि यूक्रेन की जंग में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, जिसके बारे में खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया था। ये बात पता चलते ही लगा था कि दुनिया भर के देश हाइपरसोनिक हथियारों के लिए पागल हो गए। अमेरिका और चीन के पास ये हथियार पहले से थे, लेकिन रूस ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का जंग में इस्तेमाल किया, जिससे पश्चिमी देशों में खलबली मच गई। यही नहीं, ये हथियार बनाने की होड़ से लग गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का काम कर रही है, जिससे हमले के वक्त कम समय में अधिक तबाही मचाई जा सके। मतलब बाइडेन और ज्यादा एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, यानी कि रूस को शांति का उपदेश देने वाला अमेरिका खुद वही करने की तैयारी कर रहा है जो पुतिन ने यूक्रेन में किया। रिपोर्ट में लिखा गया कि अमेरिका ने हाल ही में हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट का टेस्ट किया है, और कहा जा रहा है कि अमेरिका इसमें नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे मिसाइल तेज रफ्तार और अधिक रेंज के साथ हमले को अंजाम दे पाएगी। केवल अमेरिका ही नहीं, इस रेस में उत्तर कोरिया भी शामिल है, जो एडवांस्ड और खतरनाक हाइपरसोनिक हथियार बनाने में जुटा है। एक रिपोर्ट में लिखा गया कि किम ऐसी मिसाइल बनाना चाहते हैं जो जमीन से अंतरिक्ष तक मार कर सके। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चलती हैं और दुश्मन के ठिकानों को इतनी जल्दी तबाह कर देती हैं कि उन्हें ट्रैक करना ही मुश्किल हो जाए। दावा किया जाता है कि चीन के पास इस तरह के 2 हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास भी ये ताकत है, लेकिन उनकी संख्या नहीं पता। वैसे रूस ने यूक्रेन में जिस किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया, वो भी काफी एडवांस थी। रूस ने दुनिया को अपनी ये ताकतवर मिसाइल 2018 में दिखाई थी, जिसे देखकर अमेरिका और उत्तर कोरिया जैसे देशों की नींद उड़ गई, वो परेशान हो गए। रूस ने किंजल मिसाइल को यूक्रेन पर दाग कर उनकी परेशानी को दुगना कर दिया। रूस की इस खतरनाक मिसाइल को डैगर भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है खंजर। एक रिपोर्ट में लिखा गया कि पुतिन ने अपनी इस मिसाइल को MiG-31K लड़ाकू विमान में लोड किया था। किंजल मिसाइल हवा से जमीन पर मार करती है और 2000 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। दावा किया गया कि रूस के पास किंजल के अलावा एक और हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका नाम है अवनगार्ड, जो ध्वनि की गति से 20 गुना तेज चलती है और दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है।